माई सेल्फ नील। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने स्मार्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन को अपने मिराई ऐप से कैसे ऑनबोर्ड करोगे, इसके लिए क्या सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। सो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे अपना मिराई ऐप्स इंस्टॉल करना है और उस पर अपना एक आईडी क्रिएट करना है। इसके बाद आपको मिराई ऐप्स के होम पेज में जाने के बाद आपको ऐड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है। सो आपको ऐड डिवाइस वाले ऑप्शन में जाना है। इसके बाद चूंकि ये वॉशिंग मशीन कैटेगरी है सो हमें यहाँ से वॉशिंग मशीन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद ये कुछ कंफर्मेशन आपसे मांगता है, जैसे कि आपकी वाईफाई कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लोकेशन ऑन होना चाहिए एंड इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सो अगर प्रॉपरली ये तीनों चीज़ें मेरे मोबाइल फ़ोन की एक्टिव है सो इसके बाद मैं ऐड डिवाइस ऑप्शन में जाऊँगा। सो इसके बाद यहाँ पे मुझे वॉशिंग मशीन टाइप सेलेक्ट करना होगा, जहाँ पे फ्रंट लोड एंड टॉप लोड आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। जैसा कि ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है मैं टॉप लोड को सेलेक्ट कर लूँगा। सो इसके बाद मुझे मशीन को पावर ऑन करना होगा। पावर ऑन करने के बाद इस मशीन को मुझे सेटअप मोड पे लाना होगा। सो इसके लिए यहाँ पे जो बटन है वो है स्टार्ट एंड पॉज, जिसे 5 सेकंड तक आपको कंटिन्यूसली प्रेस करना होगा। सो मैं इसे कंटिन्यूसली 5 सेकंड तक जैसे ही प्रेस करता हूँ इस मशीन में आपको एसी डिस्प्ले पे आपको देखने को मिलेगा। ये एसी का मतलब है कि ये मशीन अब सेटअप मोड में आ चुका है और इसका इंडिकेशन ये वाईफाई का लाइट आपको ब्लिंक करके बता देता है। सो इसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। सो कंटिन्यू करने के बाद मेरा एप्लीकेशन अपने नियर बाई डिवाइस को सर्च करेगा एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पैनासोनिक वॉशिंग मशीन आपको दिख रहा है, मैंने इसे टच किया। सो इसके बाद ये आपके होम नेटवर्क का पासवर्ड एंड आईडी आपसे मांगता है, जो कि ऑलरेडी मेरे मोबाइल पे फिल किया हुआ है। सो इसके बाद मैं कनेक्ट के ऑप्शन को टच करता हूँ। सो वो आपको एक पर्टिकुलर नेटवर्क को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। सो आपको गो टू सेटिंग में जाना है एंड इस वाईफाई नेटवर्क को सेलेक्ट कर लेना है। सो इसके बाद ये मशीन आपके ऑनबोर्ड होने के प्रोसेस पे काम करने के लिए लग जाता है। सो अभी आप देख पा रहे हो ये ऑनबोर्ड प्रोसेस पे है और इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। सो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये कंप्लीट ऑनबोर्ड हो रहा है। सो ये थोड़ा टाइम टेकन होता है। तो ये जैसे ही अपने सारे ऑथेंटिकेशंस को आइडेंटिफाई कर लेता है, सारी तरह से कन्फर्म हो जाता है, सो इसके बाद ये आपको ये मैसेज दे देता है कि आपका डिवाइस जो है वो ऑनबोर्ड हो चुका है। सो आप डैशबोर्ड में जा कर के इसे इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। सो अभी देख पा रहे हो पैनासोनिक वॉशिंग मशीन मेरे मिराई पे ऑनबोर्ड हो चुका है एंड मैं इसे ईजिली अब एक्सेस कर पाऊँगा। थैंक यू।